नमस्कार वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 14 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम का अभी तक का प्रदर्शन शानदार रहा है। टीम ने अभी तक 3 मैच खेले हैं और तीनों में उसे जीत प्राप्त हुई है। आईपीएल 2021 के मैच नंबर 10 में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को हराते ही आरसीबी ने इतिहास रच दिया। दरअसल आरसीबी ने इस सीजन से पहले कभी भी शुरुआती 3 मैच नहीं जीते हैं। यह पहला मौका है जब विराट कोहली की कप्तानी वाली आरसीबी ने किसी भी सीजन में अपने पहले 3 मैचों में जीत दर्ज की। ऐसा लग रहा है कि ग्लेन मैक्सवेल के आने से टीम को एक नई ऊर्जा प्राप्त हो गई है। आईपीएल 21 की शुरुआत मैक्सवेल की काफी शानदार हुई है। 3 मैचों में वो 2 हाफ सेंचुरी जड़ चुके हैं। कोलकाता के खिलाफ मैच के बाद मैक्सवेल ने ऑरेंज कैप पर भी कब्जा जमा लिया था, जो बाद में शिखर धवन ने अपने कब्जे में कर लिया। वैसे ये कहना गलत नहीं होगा कि विराट और डिविलियर्स के साथ साथ ग्लेन मैक्सवेल के आ जाने से बैंगलोर की टीम काफी ज्यादा घातक हो गई है। बहरहाल मैच की बात करें तो आरसीबी ने केकेआर के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और ग्लेन मैक्सवेल एबी डिविलियर्स की पारियों के दम पर 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 204 रन बनाए। जीत के लक्ष्य को केकेआर की टीम हासिल नहीं कर पाई और एयन मॉर्गन की टीम 8 विकेट खोकर 166 रन ही बना सकी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।